ये है हमारा गोंद कतीरा, ये देखिए, ये देखिए गोंद कतीरा, ट्रैगा कैंट कम इन इंग्लिश, ये देखिए। और जब ये हम रात को भिगोते हैं और रात को ये ऐसे फूल जाता है, ये देखिए। अब हम जल्दी से इसके किचन में जाकर साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ मैं फायदे डिस्कस करती हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करती और किचन में इसके इतने फायदे बताती हूँ। और आप सुनकर हैरान होंगे कि हम इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मैंने ये 2 चम्मच लिए थे रात को, ये देखिए इतने से लिए थे गोंद कतीरा, और मैंने रात को पानी में भिगो दिया बाउल में, और 8-9 गुना ज़्यादा पानी डालो इसमें। देखो इतना भरा था मैंने बाउल, कितना हो गया, मतलब आधे से इतना ज़्यादा हो गया बाउल। इतना पानी लीजिए, 1.5-2 ग्लास पानी लिए, 2 ग्लास भी डाल सकते हैं, और एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। ये देखिए इतना फूल जाता है, इतना सा है और इतना हो गया है, मतलब 1.5-2 चम्मच ये लिया मैंने और ये फूल गया गोंद कतीरा। और इसके बाद इसके यूजेस बताऊं तो आप कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि हम आइसक्रीम्स में डाल सकते हैं इसको। और हम इसको मतलब एक तो एक डिश बताती हूँ मैं आपको, एक तो हम इसको डायरेक्टली इसको मैं पोर करने लगी हूँ बाउल में, और डायरेक्टली बिना चीनी बिना कुछ ये मैंने डाला थोड़ा सा, जितना भी आपने लेना है। मैंने 2.5 चम्मच करछी लिया, इसके ऊपर डायरेक्टली मैंने रूह अफ़ज़ा डाला अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, एंड इट इज़ वेरी यमी। और अगर आपने एक दो बर्फ़ के क्यूब्स डालने हैं, अभी मेरा ये ठंडा हुआ पड़ा है, एंड डायरेक्टली इसकी महक इतनी अच्छी आ रही है, वेरी टेस्टी। और इसके ऊपर एक दो क्यूब्स बर्फ़ के डालिए और डायरेक्टली खाइए, इट इज़ वेरी गुड। और जब वुमेन आर प्रेग्नेंट एंड आफ्टर प्रेगनेंसी इट इज़ गिवन टू मेंटेन, ताकि माँ जो है उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाए, और शी इज़ गोइंग टू गिव मिल्क टू द मदर बेबी, और उस टाइम वो दूध बनाता है, ये बहुत अच्छा है एंड कंज्यूम इट इन दिस फॉर्म। और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी बर्फ़ डाल के इसमें कितना बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। ये एक क्यूब डाल लीजिए, ये देखिए, और इसको लीजिए, और इतना ठंडा ठंडा, गर्मियों में बहुत ठंडक देता है। और ये पहले आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज़ होता था, और पुराने टाइम में इसको हमारी दादी माँ हमें खिलाती थी। और इसके फायदे क्या हैं, गर्मियों में एक तो ठंडक देता है, और पेट हमारा बिल्कुल सही रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही रखता है, इसको मिस मत कीजिए। और ये स्पेशली जो लेडीज़ में लड़कियाँ जो ब्यूटी पार्लर वगैरह जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, इसका फेस पैक बनता है। और वैसे भी खाने से जो छाइयाँ और जो बुढ़ापे की छाइयाँ लाइनें पड़ जाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसके बाद ये डायरेक्टली भी फेस पे लगाया जाता है इसको मल के बेसन में, और इससे जो हमारे ये एक्ने एक्ने वगैरह दाने हो जाते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और हमारा स्किन ब्राइट हो जाता है। इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी टू ईट, और खाने में इतना, जैसे फलूदा है, फलूदे की जगह सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि फलूदा तो मैदे का बनता है, दिस इज़ नेचुरल गम, और ये इंडिया में गम है, ये पौधे से आती है, रूट और स्टेम से इसकी गम आती है, और ये गम धीरे धीरे सूख जाती है, फिर इस टाइप में क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन जाती है, मैंने आपको दिखाया है इस टाइम में। और फिर इसको घरों में यूज़ किया जाता है, इसको केक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और बिस्किट्स में और केक्स में यूज़ किया जाता है, और इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। एंड सेकेंड रेसिपी आई एम टेलिंग यू, सेकेंड रेसिपी, आप दूध लीजिए, देखिए जितना दूध लेना है आपने, और इसमें डालिए डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना, गोंद कतीरा डालो, और इसमें थोड़ा सा अगेन चीनी डालो या रूह अफ़ज़ा डालो। और अगर आप चीनी रूह अफ़ज़ा नहीं डालना चाहते, चीनी का पाउडर डालिए, चीनी का पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिए, और उसके ऊपर ये छोटी इलायची का पाउडर है ये डालिए, और जितने चम्मच डालने हैं आपने। लेकिन अभी मैं रूह अफ़ज़ा वाला ही बनाने लगी हूँ, रूह अफ़ज़ा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसको डिफरेंट वे में ले सकते हैं। मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया और दिस इज़ वेरी गुड। ये देखिए, ये बच्चों को दो, डोंट मिस टू योर चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। और अगर और डालना है रूह अफ़ज़ा और डालिए, और इसमें अगर आइस क्यूब डालना है डालिए, और ये देखिए आइस क्यूब डाल के दीजिए बच्चों को। और थर्ड नंबर इसका और है, जैसे मैंने आइसक्रीम बनाई हुई थी घर में, ये देखिए मैंने कुल्फी बनाई हुई थी, देखिए इसमें से कुल्फी निकालिए और इसको काटिए कुल्फी को, ये देखिए ये मैं काटने लगी हूँ थोड़ी सी कुल्फी, जैसे हम फलूदा डालते हैं ना कुल्फी के ऊपर,
वैसे ही कुल्फी के ऊपर डालिए और बच्चों को दीजिए और मेरा चैनल लाइक कीजिए। मैं ऐसी नई नई रेसिपीज लाती रहती हूँ एंड दिस इज मेनली ऑल हेल्दी रेसिपीज विच आई एम ब्रिंगिंग। ये देखिए ये हो गया, जैसे कितनी लेनी है आपने ले लीजिए। इसके ऊपर ये डालिए कितना डालना है, जैसे हम डालते हैं फलूदा, फलूदा डाल के अगेन यू कैन गिव रू अफ़ज़ा टेस्ट। यहाँ चीनी डालनी है, छोटी इलायची डालनी है, ये देखिए मैं इसके ऊपर ये डालने वाली हूँ। तो इस तरह छोटी छोटी रेसिपीज बन जाती हैं और बच्चे बहुत लाइक करते हैं इसको, सो गिव इट टू योर चिल्ड्रन। और इसके अगर मैं फ़ायदे गिनाऊँ, देखिए दिस इज़ वेरी टेस्टी, फलूदे से 100 गुना ज़्यादा गुण आगे, क्योंकि ऑल इज नेचुरल प्लांट, इसमें कुछ मैदा नहीं है, कुछ नहीं है, बॉइलिंग नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। बच्चे बहुत लाइक करते हैं इसको, अगर आप उनको टेस्ट डेवलप करेंगे, गिव इट टू योर चिल्ड्रन। देखिए इस तरह फलूदा टाइप बन जाता है और ये कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड। छोटी इलायची डालनी है, पाउडर थोड़ा फ्लेवर कर ले, देख इसके आपके ऊपर। और इसके फ़ायदे बहुत हैं, बहुत बहुत, कितने अगर मैं गिनवाऊँ तो, वेरी बहुत अच्छा है डिहाइड्रेशन में, और स्पेशली ये गर्मियों में बहुत अच्छा है, जो पेट को एकदम साफ रखता है, और पेट को जैसे हमें गर्मियों में ठंडक चाहिए होती है तो एकदम पेट को ठंडा रखता है, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, और स्किन पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। और एंशंट पुराने ज़माने में इसको खांसी और उसके लिए डायसेंट्री के लिए दिया जाता था, लेकिन हमारी दादी वगैरह बताती थी इसके फ़ायदे। तो आज हम फिर इसको जागृत करते हैं और फिर घरों में लाते हैं वापस गोंद कतीरा, और ट्रैगा कैंथ गम भी कहते हैं इसको, और इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड स्किन ऑल्सो, एंड इट्स का नाम वंडर हर्ब है। वंडर हर्ब क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये पौधे से जो गम मिलती है, इस गम के बहुत बहुत फ़ायदे हैं, और इसको दीजिए ज़रूर, बच्चों को दीजिए, पूरी फैमिली को दीजिए। इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड इट इज़ गुड फॉर योर, दिस सुपर हेल्दी फूड है। इट इज़ गुड फॉर द पिंपल्स ऑल्सो, और ओल्ड एज जो लाइन्स पड़ जाती हैं, इट इज़ बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी सिस्टम, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें, और देन इट इज़ गिवन फ्रॉम गिव, दिस इज़ द रूट एंड द स्टेम, पौधे की रूट और स्टेम्प है जो धीरे धीरे सूख जाती है, और इसको हम इस फॉर्म में गोंद कतीरा फॉर्म में बन जाती है और देते हैं क्रिस्टल्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, यू कैन शेयर एंड लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब ऑल्सो, ताकि मैं ऐसे हेल्दी फूड लाती रहूँ और आप अपने बच्चों को दें, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है और उनको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई करते हैं फिर कंप्यूटर पर इतना ज़्यादा बैठते हैं, और आंखों के लिए बहुत अच्छा है, टीथ एंड बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। गिव देम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।